हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आना की दुनिया। सो टुडे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स माय सिस्टर्स बर्थडे पार्टी। सो बस हम लोग निकल चुके हैं और मैं अंदर से खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, बिकॉज घर वालों से मिलने का मौका मिलता है और स्पेशली जो सबसे छोटा यश है वो बड़ा हो रहा है तो उससे बातें करने में मज़ा आता है। इतने छोटे से एज में बहुत सारी हरकतें करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है ना, उससे इंट्रैक्शन करके ना मज़ा आता है। सो ऑलमोस्ट हम लोग हाफ रूट कवर कर चुके हैं और मैं क्या बोल रही यार कि काश ऐसा होता कि शादी के बाद लड़के हमारे यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। लड़कों का सही है, लाइफ पैटर्न जैसे चल रही है वैसी चलती है, पेरेंट्स के साथ घूमना फिरना खाना पीना कोई चेंजेस नहीं, और हम लड़कियाँ शादी के बाद आ जाते हैं तो हमारा लाइफ पैटर्न, हमारे प्रायोरिटीज़, हम सब कुछ अपने हस्बैंड इन लॉज के लिए करते हैं। लड़के कभी नहीं करते यार इन लॉज के लिए, थोड़ा सा एफर्ट उन्हें भी डालना चाहिए। क्या बोलूँ, मैं सरकार होती ना तो मैं थोड़े बहुत तो चेंजेस ज़रूर करती ये सब रूल्स में। काश लड़के शिफ्ट करते शादी के बाद हमारे साथ तो वो भी एक अलग ही मज़ा होता। एनीवेज, तो हम लोग गए थे बिग ट्री कैफ़े, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो क्लिप में दिखाया वहाँ का एम्बियंस। अभी मैं जो एंट्री कर रही हूँ ये है सागर रेस्टोरेंट। सो मेरी सिस्टर को बिग ट्री कैफ़े का एम्बियंस समझ में नहीं आया, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं सागर रेस्टोरेंट में। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी सूदिंग है एज़ यू कैन सी इन द वीडियो। सो लेट्स कम एंड सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी एंड एन्जॉय ऑल दी ओरिजिनल ऑडियोज़। और ये रही मेरी प्यारी सी माँ, जिसकी अब एज हो चुकी है, अब काफ़ी कम घूमना फिरना पसंद करती है मम्मी, अब थोड़ा शांत शांत सी देती है। और साथ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर का एरिया, आप चाहे तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे सूदिंग लाइट है। सो आप एक रोमांटिक डिनर पे आएँ तो यू कैन, फैमिली के साथ भी आप बैठ सकते हैं। अच्छा स्पेस बना रखा है इन्होंने, लाइटिंग है, ट्रीज़ है, नेचुरल एयर है, सो इट्स योर चॉइस आप अंदर बैठना चाहते हैं या बाहर बैठना चाहते हैं। फूड यहाँ पे अच्छे हैं, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। और ये प्रॉपर ड्रिंक सेक्शन भी है यहाँ पे बड़ा सा, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। सो दीज आर द कलेक्शंस ओवर हियर। सो आपकी जो भी चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू मस्ट विज़िट बिकॉज ये वीडियो एडिटिंग वॉइस ओवर तो मैं ऑफकोर्स खाने पीने के बाद ही कर रही हूँ। सो खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं। सो बींग एन इन्फ्लुएंसर आई सजेस्ट टू ऑल माई ऑडियंस दे कैन। और ये देखिए यहाँ के मेनू में कटहल कढ़ाई मसाला, जो कि स्पेशली मैंने दिखाया है। कटहल मोस्टली बिहार में बनता है, जैक फ्रूट वहाँ के लोग बहुत बनाते हैं, कहा जाता है वेज वालों का नॉन वेज होता है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना यहाँ पे कटहल कढ़ाई मसाला देख के यार, हमारे यहाँ का सब्जी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे खिचड़ी भी थी जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बट मुझे ना बाहर की जगह का खिचड़ी खाना अच्छा लगता है, घर का तो हमेशा खाते हैं और बाहर का एक अलग ही टेस्ट आता है। चिकन कैसा था? देखो उसको तीखा भी लग रहा है लेकिन फिर भी ऐसे कर रहा है यम्मी। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be
special. If I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back when